पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त है कि भाई अगर PSL से लड़के उठा के पिक करके और उनकी परफॉर्मेंस को टीम के अंदर लाया जा सकता है T20 फॉर्मेट के अंदर, तो शर्जील खान को क्यों नहीं लाया जा सकता? उस लड़के की यार परफॉर्मेंस देखो और फिर से फिटनेस लेवल देखो, पहले से लाख दर्जा बेहतर है। और जितना था वो लड़का अभी लेजेंड लीग के अंदर जो परफॉर्म दे रहा है, आज वो इनिंग खेल रहा है 34 पे 72 रन की, अभी खेल चुका नो डाउट खड़ा हुआ है, 6 छक्के वो मार चुका है, 205 रन के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। तो मैं ये सवाल था कि PCB चेयरमैन नॉर्थ मोहसिन नकवी से कि रिटायरमेंट प्लेयर अगर टीम के अंदर आ सकते हैं तो शर्जील खान क्यों नहीं आ सकता? T20 फॉर्मेट के अंदर लाजमी उसकी जगह बनती है जिस तरह वो लड़का परफॉर्म अभी दे रहा है। तो परफॉर्मेंस के अंदर अगर लड़के टीम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आते हैं और फिटनेस लेवल पे भी आते हैं आ रहे हैं आप, तो फिर उस लड़के का शर्जील खान का फिटनेस लेवल आप देख लो, पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और अभी T20 फॉर्मेट के अंदर उसको लाजमी होना चाहिए। उस लड़के की परफॉर्मेंस आप देख लो, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है वो भी लेजेंड लीग के अंदर। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो बाउंड्री छोटी रखी हुई है तो वो बिल्कुल बाउंड्री के बराबर, उसके छक्के बिल्कुल बराबर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइन से फर्क पड़ रहा है, उसके लड़के के आप शॉर्ट पे मैनेज करो, वो लड़का शॉर्ट कैसे खेले, कोई लपो वाला शॉर्ट नहीं खेल रहा वो, उसके टेक्निकल शॉट आप देख लो जबरदस्त नहीं खेलता। अभी उसकी लड़के की अभी भी उसकी बनती है T20 फॉर्मेट के अंदर उसकी लाजमी जगह बनती है। T20 क्या वो देखा जाए तो ODI का भी वो प्लेयर है, जिस तरह उसने आयरलैंड के खिलाफ 152 रन की इनिंग खेली थी और जबरदस्त इनिंग खेली थी वो, और क्या फेटा लगाया था आयरलैंड के बॉलर को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से कि भाई शर्जील खान को वापसी टीम के अंदर लाया जाए और उसके साथ नाइंसाफी ना किया जाए, क्योंकि फैंस उसके बहुत सारे हैं और ऐसे प्लेयर बहुत कम ही मिलते हैं पाकिस्तान को, और मिले भी हैं तो फिर वो फिर PSL में फिर हीरो हैं और इंटरनेशनल में आके फिर जीरो हो जाते हैं। तो फिर ऐसे प्लेयर जो है ना जो इंटरनेशनल में PSL में दोनों में परफॉर्म कर रहे हो, ये आपको बहुत कम मिलते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब आपसे दरख्वास्त है, प्लीज आप शर्जील खान को लाजमी T20 फॉर्मेट के अंदर लेकर आओ और उसको खिलाना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे प्लेयर को फैंस उसके बहुत पसंद करते हैं, पावर हिटर जो होते हैं। आप आसिफ अली को रख लो, शिकार चाचों को तो आप हटाई दो, वो नाम क्या है सिर्फ, अगर उन्होंने छक्के मार भी देते आखिर में आगे तो कोई मैच फिनिशर वो नहीं है। आसिफ अली को रख लो कि उस लड़के आदमी शख्स ने 3-4 छक्के अफगानिस्तान के खिलाफ मारे, 2 छक्के फिर उसके खिलाफ मारे एशिया कप में इंडिया के खिलाफ भी 2 छक्के मार के स्कोर भले आउट हो गए थे, मगर एक जीतने की बुनियाद मैच पहुंचा दिया। तो ऐसे प्लेयर्स को फैंस बहुत पसंद करते हैं और ऐसे प्लेयर टीम के अंदर लाजमी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा फैंस फॉलोइंग के ऊपर आप टीम के अंदर लेकर आओ, मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ। परफॉर्मेंस के अंदर अगर टीम को लाया जाए, टीम के अंदर मैच टीम में लाया जा सकता है तो उस लड़की की आप परफॉर्मेंस देख लो और PSL में उसको सिलेक्ट किया जाए तो आप उसकी परफॉर्मेंस देख लेना, आप लड़का वो क्या परफॉर्मेंस क्या लड़का वो खेल रहा है उसको लाजमी होना चाहिए। PCB मोहसिन नकवी साहब दोबारा मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसको T20 फॉर्मेट के अंदर लाजमी होना चाहिए शर्जील खान, क्या वो भी खेल रहा है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का लेजेंड लीग का मैच हो रहा है और उसके अंदर खड़ा हुआ भी 72 रन पर खड़ा हुआ, 35 बॉल में 6 छक्के लगा चुका है, 205 या 208 रन के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा है। तो पाकिस्तान लेजेंड लीग का आज भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच है और यहाँ पर पाकिस्तान पर बैटिंग करते हुए 12 ओवर में 122 रन बना चुके 2 विकेट के नुकसान पे और शाहिद अफरीदी खड़े हुए और शर्जील खान बैटिंग में मौजूद है, शर्जील खान 75 रन में पहुँच गया लाजमी। और तो फिर ये टॉपिक था और यही बात थी जो दिल की जो फैंस को करना चाहिए वो हम आपसे तवक्कु करते हैं PCB नकवी साहब से, मोहसिन नकवी साहब से कि भाई शर्जील खान को अच्छी टीम के अंदर लाया जाए और परफॉर्मेंस के ऊपर लाया जाए तो टीम को तो उसको वापसी लाया जाए। और फिर आज का यही टॉपिक था, तो चलते फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज।
जिंदगी।